रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 10th क्लास बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 चैप्टर गैसियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 10 एंड द टॉपिक इज द लंग्स। लंग्स जो है वो कंपोनेंट है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। हमने लास्ट टाइम रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पहला कंपोनेंट डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एयर पैसेज वे की का ट्रेसिस और उसकी डिटेल डिस्कस की थी। आज मैं आपको लंग्स के बारे में बताऊंगी कि लंग्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। व्हाट इज या व्हाट आर लंग्स, लंग्स क्या है? अगर आप देखें ऑल द एल्वोलाई ऑफ वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग। हमारी एक साइड की जो एल्वोलाई है वो आपस में मिलकर क्या बना रही है, हमारा लंग बना रही है। ये देखें यहाँ पर मैंने लंग की डायग्राम बनाई हुई है। ये अगर हम एल्वोलाई को देखें, ये तमाम एल्वोलाई कंस्टिट्यूट होकर मिलकर हमारी एक साइड का लंग बना रही है। इसी तरह दूसरी साइड के एल्वोलाई आपस में कंस्टिट्यूट होकर दूसरी साइड का लंग बना रही है, लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। लंग्स की लोकेशन देखिए तो लंग्स जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी का भी नाम दिया जाता है। लोकेशन देखिए, लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। रिब्स क्या है? हमारी पसलियाँ। ये रिब्स के साथ प्रोटेक्ट हुआ, रिब्स के साथ प्रोटेक्ट हुआ होता है हमारा लंग्स। और रिब्स के कितने पेयर्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं? 12 पेयर्स जो है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। रिब्स मसल्स को एक और नाम दिया गया है, दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के मसल्स को नाम दिया जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया है बच्चों आपको? लंग्स क्या कैसे बनते हैं? हमारे वन साइड की एल्वोलाई कंस्टिट्यूट होकर हमारे लंग बना रही है। और लंग्स की लोकेशन कहाँ पर है? लंग्स जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं और इसको प्रोटेक्ट किया होता है हमारी रिब्स ने, हमारी रिब्स के 12 पेयर्स ने, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स का नाम भी दिया गया है, वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है लंग्स का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डायाफ्राम। आप ये देखिए लंग्स के नीचे मैंने रेड लाइन से डोम शेप स्ट्रक्चर बनाया है, इसको डायाफ्राम का नाम दिया गया है। डायाफ्राम है क्या? इट इज़ अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट इज़ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ये लंग्स के नीचे मौजूद होता है। डायाफ्राम जो है वो थिक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये लंग्स के नीचे वाली साइड पर मौजूद होता है। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ओके, नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको हमारे लंग्स की कंपोजिशन क्या है, कि लंग्स किस मटेरियल का के बने हुए हैं। लंग्स की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो लंग्स जो है वो स्पॉन्जी एंड इलास्टिक इन नेचर है। स्पॉन्जी से मुराद जैसे आपने देखा होगा बर्तन साफ करने वाला, कभी आपने स्पंज यूज़ किया हो, नरम सा होता है, सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। फॉर्मी नेचर, जैसे फॉर्म नहीं होते, जैसे आप सोफे के ऊपर जो गद्दियाँ रखते हैं वो फॉर्म की तरह के होते हैं, तो अगर आप उसका एक पार्ट एक टुकड़ा तोड़ लेंगे तो वो लंग्स की तरह आपको नजर आएगा। या आपने कभी बकरा ईद पर कुर्बानी होते हुए देखी हो तो लंग्स को आप इस बार आपने बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद पर आपने अपने जो जानवर होते हैं उनके लंग्स को स्पेशल आपने ऑब्जर्व करना है, उनको हाथ में पकड़ के देखना है, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि वो स्पॉन्जी नेचर है या फॉर्मी नेचर है। और वो किस टिश्यू के बने हुए? वो इलास्टिक टिश्यू के बने हुए। इलास्टिक से मुराद क्या है? इलास्टिक मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि हमारे लंग्स पे ये पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं एंड रिलैक्स भी हो सकते हैं। जब उसमें हवा जो है वो एंटर हो रही होगी या मूव आउट हो रही होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। इसके अलावा हमारे लंग्स में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स की कुछ ब्रांचेस हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऐसी आर्टरीज जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी वेन ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो इनक्लोज हुए हुए हैं, हमारे लंग्स इनक्लोज हुए हुए खास किस्म की मेम्ब्रेन के साथ, और उन मेम्ब्रेन्स का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर मैंने ग्रीन और ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया हुआ है लंग्स के
इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन को। इन मेम्ब्रेन्स का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, एक मटेरियल होता है लिक्विड की तरह का। उस फ्लूइड का नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो है वो क्या काम कर रहा है हमारी मेम्ब्रेन के दरमियान? एक्चुअली वो हमारे लंग्स को प्रोवाइड कर रहा है लुब्रिकेशन, और लुब्रिकेशन जब प्रोवाइड हो जाएगी तो लंग्स जो है उनमें फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे हमारे लंग्स तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स। प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द लंग्स व्हाइल प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर लंग्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अब अगर हम साइज की तरफ आएँ, लंग्स के साइज को देखें, तो जो हमारा लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर इन साइज है और उसके टू लोब्स हैं, स्मॉलर इन साइज एंड टू लोब्स हैं। जबकि जो राइट लंग है वो बिगर इन साइज है और उसके थ्री लोब्स जो है वो बने हुए हैं। आप अपनी बुक पर गौर से देखिएगा, आपको वहाँ पे क्लियरली नज़र आ जाएगा कि जो लंग्स हैं उनकी साइज में फ़र्क है। और जो हमारा लेफ्ट लंग है वो क्यों छोटा नज़र आता है हमें, क्यों फील होता है कि वो स्मॉल है? क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे हमारा जो हार्ट है थोड़ा सा वो उसकी लोकेशन आती है, हम यानी कि हार्ट और उसके जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर इन साइज और उसके टू लोब्स होते हैं। होप सो आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।